टेंशन, लुक ऑन द बोर्ड। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको स्टॉक्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। स्टॉक्स ने तीन फॉर्मूले दिए, एक विस्कस फोर्स के लिए, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए और एक टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। इन तीनों फॉर्मूलों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो जिनका रेडियस आर हो, वो एक किसी विस्कस मीडियम में गिर रही हो, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो, वो एक समान वेग से गिर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसका नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, वी से फॉल कर रही हो, तब उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। इसी फॉर्मूले को कहा जाता है स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। स्टॉक का क्या कहना है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे एक बॉल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये किसी विस्कस मीडियम में गिर रहा है। वाटर क्या एक विस्कस मीडियम है, इसमें फॉल कर रहा है, तो इस पर एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ये जो विस्कस फोर्स है उसका क्या वैल्यू होगा, यही बताया स्टॉक साहब, इनका क्या फॉर्मूला होगा। उनका फॉर्मूला होगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ईटा आप जानते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी है, आर इज रेडियस एंड वी इज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कहलाता है, स्टॉक्स फॉर्मूला विस्कस फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इन्होंने जो बताया वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का और टर्मिनल वेलोसिटी का। दो और फॉर्मूले स्टॉक साहब ने दिया। इन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रॉ है और जो विस्कस मीडियम है लिक्विड हो या एयर हो, उनका सिग्मा है स्मॉल सिग्मा, इसको स्मॉल सिग्मा पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फोर्स जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। वेट का फॉर्मूला एम जी होता है और मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम या एस्फेयर का वॉल्यूम देंगे, एस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, 4/3 πr³ इंटू रॉ इंटू जी करेंगे। तो दोस्तों इतना फोर्स जो है ये डाउनवर्ड लग रहा है। और आप एक पढ़े होंगे उत्प्लावन बल, कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो एक बॉयंसी फोर्स लगता है ना, कि लिक्विड भी उस पर फोर्स लगाता है किधर, अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो वो कितना फोर्स लगाता है, जितना कि उस लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर पाता है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर पाएगा, तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा 4/3 πr³। और यहाँ पे जो डेंसिटी लेंगे वो लिक्विड का लेंगे, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, जी तो जी ही रहेगा। तो दोस्तों एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, लेकिन ये नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा ऊपर वाले से, तो इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने, डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस किया जाता है, इसलिए हम अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 4/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर क्यूब कॉमन, जी कॉमन, इस सारे कॉमन आ गए, बचा क्या, रॉ माइनस सिग्मा। इसको रॉ पढ़ेंगे, इसको स्मॉल सिग्मा। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यही विस्कस फोर्स के बराबर होता है, यही चीज़ स्टॉक साहब ने बताया। ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो विस्कस फोर्स के बराबर होगा, जिसका फॉर्मूला 6 πe(rv) होता है, 6 πe(rv). अब पाई पाई कैंसिल कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एक आर और यहाँ पे आर क्यूब है, कट के आर स्क्वायर हो जाएगा, जी और रॉ माइनस सिग्मा ये सारे बच जाएंगे। कटने के बाद बचा क्या, तो दोस्तों क्या बचा, 3 बचा, ईटा बचा, वी बचा, 3 ईटा वी। थोड़ा मैं अब उधर से दिखा दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ इस मैं देख ला जाए फिर से एक बार, फिर से देखा जाए, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, वेट का फॉर्मूला एम जी, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम एस्फेयर का लेंगे 4/3 πr³, डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट का रॉ माना गया है, इतने ही वॉल्यूम के लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर रहा है, उस लिक्विड के वेट के बराबर का एक बॉयंसी फोर्स उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगेगा,
वॉल्यूम दोनों का सेम होगा 4/3πr³, और रॉ की जगह पे सिग्मा डालेंगे इंटू जी करेंगे, इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, बड़ा फोर्स ये है छोटा ये है, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 4/3πr³g है ना, 4/3πr³ और जी देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा क्या रॉ माइनस सिग्मा। अब ये जो फोर्स आया रिजल्टेंट फोर्स स्टॉक के अनुसार, इस रिजल्टेंट फोर्स का ही मान 6πeR भी होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को इक्वेट कर दिया, एफ की जगह ये मान पुट किया, पाई पाई कैंसिल किया, टू यहाँ से टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, काट सकते हैं आप, एक आर है यहाँ, आर क्यूब है तो दो बच गया, आर स्क्वायर बच गया है आपका, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए, थ्री बचा, ईटा बचा, वी बचा, इधर देखिए क्या बचा, 2/3 बचा, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बचा। अब हमें ईटा चाहिए तो 3 और वी को नीचे भेज दिया, 3 × 3 दैट इज 9 वी, ये ईटा क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी का स्टॉक्स फॉर्मूला चाहिए, वी को ऊपर ले जाइए, ईटा को नीचे कर दीजिए, तो फिर एक और फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी का स्टॉक्स फॉर्मूला है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स के लिए, यहाँ देखिए वी और आर के बीच क्या रिलेशन, जनरली देखिए 2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, रॉ कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट। अब गोला छोटा बड़ा हो सकता है, एस्फीयर छोटा बड़ा हो सकता है, तो रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, तो क्या कहेंगे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बड़ा स्फीयर होगा रेडियस बढ़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ता चला जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। दो अलग अलग स्फीयर्स के लिए v1/v2 लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब आगे हम लोगों को बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना है, बर्नौलीज थ्योरम पूरे फिजिक्स का सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको टोटल एनर्जी इन फ्लूइड्स देखना पड़ेगा, एनर्जी किसी फ्लूइड के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर टोटल कितनी एनर्जी होती है, वो भी यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो दो एनर्जी तो आप पहले से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वी ओ मतलब वॉल्यूम, चूंकि दो वी आ रहा है ना, इसलिए वॉल्यूम के लिए हम वी ओ मान रहे हैं, और वेलोसिटी को वी रहने दे रहे हैं, 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास को फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम के लिए वी नॉट या वी जीरो को आप 1 कह दें, वॉल्यूम 1 हो गया हमारा, तो एक नया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के इज 1/2 rho v². अब आइए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, मास को फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम के लिए फिर वी जीरो वी नॉट के ये 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा rho gh, क्या हो जाएगा rho gh, पहले mgh था और ये यूनिट वॉल्यूम के लिए, एकांक आयतन के लिए ये rho gh होगा। अब दोस्तों प्रेशर एनर्जी निकाल है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो कोई भी एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम dx मान रहे हैं, और फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, एरिया गुने dx को आप dv लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अब आपका यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना चाहे तो dv फिर 1 कर दें, तो प्रेशर एनर्जी इक्वल हो गया प्रेशर के, प्रेशर एनर्जी इक्वल प्रेशर के। अब यहाँ एक मैंने फिल अप द ब्लैंक्स दिया है आप लोगों के लिए कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड के लिए प्रेशर एनर्जी बराबर डॉट डॉट होगा, किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, यूनिट फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू द अप्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, यूनिट वॉल्यूम के किसी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होती है, तो दोस्तों ये अप्लाइड प्रेशर के बराबर होती है। अब टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो दोस्तों तीन तरह की एनर्जी हो गई, काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस प्रेशर, ये टोटल एनर्जी होगी। आगे जो आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे उनका यही कहना है, ये जो टोटल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की होती है, एकांक आयतन की, कुल ऊर्जा वो अचर रहती है, यही चीज़ कांस्टेंट होता है, इसका नाम बर्नौलीज थ्योरम हो जाता है,
जो अगले लेक्चर में बताया जाएगा। यहाँ एक न्यूमिकल आपको दिखाया जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमिकल है। 8 छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स हैं जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब वे सारे ड्रॉप्स आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, बड़ा ड्रॉप बना रहा है। बड़ा ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स 8 है, छोटा ड्रॉप है तो उसका रेडियस पहले R1 को R मानिए, बाद में सब बड़ा मिलके एक बड़ा बन गया उसको कैपिटल R मानिए। तो दोस्तों कैपिटल R बराबर होगा n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल R, n हो गया 8, 8 पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल R, 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 3 कैंसिल दैट इज 2R। अब V1 मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड, V2 निकालना है तो V2/V1 क्या फॉर्मूला है, R2/R1 का होल स्क्वायर। R2 कैपिटल R, R1 स्मॉल R, R को लिख सकते हैं 2R, RR कैंसिल, तो वह 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो V2 निकालिए 4V1, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। एक होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को, प्रूफ करना है कि ये जो स्टॉक्स फॉर्मूला है F=6πηRV, इसको प्रूफ करना है या कहीं चेक करना है बाई कौन सा मेथड, डायमेंशन मेथड। ये काम आप डायमेंशन में कर चुके हैं तो आपको ये फॉर्मूले को चेक करके या सिद्ध करके लाना है कि F=, स्टॉक्स फॉर्मूला होता है F=6πηRV। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद।